सूबे के गन्ना किसानों को खुशहाल बनाने के लिए योगी सरकार ने उन्हें दो किस्मों की सौगात दी है। सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई। गन्ने की नई प्रजाति यूपी 14-234 और 17-231 में लाल सड़न जैसे रोग नहीं लगेंगे। वहीं गन्ने में कीड़ा भी नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, इसकी फसल में ज्यादा उर्वरकों का भी प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। इन नई किस्म की यह खासियत है कि इस किस्म का गन्ना अधिक मोटा और लंबा और अधिक पैदावार वाला होता है। गन्ने की इस किस्म को किसान कम उपजाऊ मिट्टी में भी पैदा कर सकता है, इसलिए ये प्रजाति किसानों के लिए वरदान साबित होगी। साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। जिला गन्ना अधिकारी अजय सिंह का कहना है कि अब किसान ऐसी मिट्टी पर भी गन्ना पैदा कर सकता है जहां गन्ने की पैदावार कम होती थी। गन्ने की यह किस्म की अधिक पैदावार वाली है, इसलिए गन्ना किसानों को यह किस्म अपने खेतों में जरूर लगाना चाहिए। वहीं गन्ना किसान ललित और ऋषिपाल कहते हैं, गन्ना विभाग गन्ने की नई किस्म लाकर किसानों के हित में काम किया है। यह किस्म हमारी अच्छी खेती और हमारी आय बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। कुल मिलाकर किसान खेती से संतुष्ट था, क्योंकि हमारे पास 038 एक वैरायटी थी, लेकिन उसमें रोग आने की वजह से अब जो सरकार ने नई हमें किस्म उपलब्ध कराई है, जिसमें 14-227 और 17-231 नई वैरायटी आई है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी जो 15-023 और 13-235 जो वैरायटी आई है, वो रोग मुक्त है, टिल्लिंग ज़्यादा है, उसकी पैदा अधिक है और कम लागत में किसान खुशहाली के जीवन में अपना प्रवेश करेगा। किस तरह की मिट्टी में अभी हो सकती है आसानी से? नहीं, इसके लिए दोमट मिट्टी हो या थोड़ी रेतीली मिट्टी भी अगर है तो उसमें उपजाऊ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, किस्म की दिक्कत ये आती थी क्योंकि इसमें जो हमारा 0238 गन्ना था, इसमें इतने रोग हो गए कि उसमें कोकाविंग और सड़न, लाल सड़न जिसे हम बोलते हैं, ये काफ़ी रोग है जिससे उस गन्ने को ख़त्म ही होने में है। और ये 15-023 और 13-235 ये दो वैरायटी बहुत ही उचित हैं किसान के लिए। और 15-023 ये दोनों प्रजाति बहुत अच्छी हैं अर्ली में। हाँ, किस तरीके से बेहतर है? टिल्लिंग अच्छी है, रोग नहीं है कोई, हाइट अच्छी है, तो किसान खुश है। किसान इससे खुश है। जो पहले प्रजाति थी उसमें किस तरह की दिक्कत आती थी? पहले भी बढ़िया थी, उनमें रोग ज्यादा आ गए, दवाइयाँ ज़्यादा लगानी पड़ रही हैं। और इसमें कोई दवाई नहीं लगाई है, ये ज़्यादा बेहतर है। यूपी 14-234 ये वैरायटी है, ये काफ़ी उत्पादन इसका अच्छा होता है और इसमें शुगर की मात्रा भी ज़्यादा है। और जिन क्षेत्रों में गन्ने का उत्पादन कम है, जैसे पूर्वांचल के बहुत सारे क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है 14-234 को जो है उगाने से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी जो वैरायटी है यूपी 17-231 ये जो वैरायटी है, इसका जो गन्ना है ये लंबा और मोटा होता है और इसमें भी शुगर की मात्रा ज़्यादा है। और ये दोनों वैरायटी जो है अभी नई विकसित की गई हैं और किसान इसको 0238 की जगह पे जो है इसको लगा सकते हैं, इससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। ये लाल सड़न जो रोग है इसमें चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसके अगेंस्ट जो है प्रतिरोधी है और ये किसानों के लिए एक विकल्प है कि वो 238 की जगह पर इसको लगा लें। और इसके साथ ही एक और वैरायटी है जिसको जो है अभी उत्तर प्रदेश से जो आउट किया गया है, क्योंकि वो लाल सड़न के पास ज़्यादा संवेदनशील थी, वो वैरायटी है 51 करके है, वो 051-91 COPK 051-91 ये जो वैरायटी है, इसे जो है इसको आउट कर दिया गया है।